हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है अपने किसी भी शॉमी या किसी भी एंड्रॉयड फोन के अंदर आप यूज कर सकते हैं। आपको ना कोई फोन का बूट लोडर अनलॉक करना है, ना ही आपको कोई कस्टम रिकवरी चाहिए। सिंपली आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और काफी सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर्स जो है आपको अपने फोन के अंदर मिल जाएंगे, जिनको आप इजिली यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू में देखा कि काफी सारी क्लॉक्स एंड काफी सारी चीजें आप इजिली उसके अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम Redmi Note 7 Pro यूज कर रहे हैं, बट आप इस मेथड को किसी भी फोन के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे वो Xiaomi का फोन हो, चाहे Lenovo हो, चाहे OnePlus हो, चाहे कोई और फोन हो। मोस्टली देखा जाए तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है काफी एक्सपेंसिव फोन होते हैं, जैसे Samsung, OnePlus वगैरह, इन सब में देखने को मिलते हैं, बट अब आप उसको आप अपने फोन के अंदर भी पा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वो एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम है AMOLED क्लॉक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड ब्लैक वॉलपेपर्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने जो है काफी सारी जो है क्लॉक्स वगैरह देखने को मिलती हैं। आपको सेटिंग्स पहले कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें आपको डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक मिल जाती है, एज क्लॉक मिल जाती है, पिक्चर क्लॉक यानी कि आप पिक्चर को भी सेटअप कर सकते हैं अपनी कोई क्लिक की ही, और टेक्स्ट एंड फॉन्ट और कस्टमाइजेशन के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आप इसको ऊपर से इनेबल कर देंगे, ये देखिए आप ऊपर एक बटन देख पा रहे हैं, आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। उसके बाद जो भी आपको क्लॉक चाहिए आप उसको सेटअप करेंगे। सपोज कीजिए डिजिटल क्लॉक लेते हैं, डिजिटल क्लॉक में आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन ये रहा, सेकंड वन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, थर्ड वन इस तरीके का देखने को मिलता है, और फोर्थ वन आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। उसके बाद जो है आप इसे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको येलो कलर चाहिए, येलो कर दीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद जो कलर्स जो है वो चेंज होते हैं आप इसको अप्लाई करेंगे, और जो कलर जो है आप यदि चेंज करते हैं, सपोज कीजिए कि मैं कुछ और कोई और क्लॉक लेता हूँ, चलिए ये क्लॉक लेते हैं, इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब देखिए जो हमारे जो फोन के अंदर जो क्लॉक है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की क्लॉक जो है आपको इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करेंगे वापस जो है आप अपनी होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, वहां से आप स्वाइप अप कीजिए, आप अपने फोन के अंदर आ सकते हैं। उसी तरीके से आपको काफी सारी एनालॉग क्लॉक्स भी मिल जाती हैं, जिसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा जो देख पा रहे हैं आप, सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके मिलता है, स्क्वायर क्लॉक मिलती है आपको। थर्ड ऑप्शन में जो है आपको राउंड क्लॉक मिलती है, जिसमें 1 to 12 के आवर्स हैं, और फोर्थ जो है आपको स्क्वायर में देखने को मिलती है, आप इसके भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको ब्लू कलर चाहिए, आप ब्लू करके ओके कर दीजिए, और देखिए ये जो है ब्लू कलर में हो गई है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं और लॉक स्क्रीन पर चेक कर देखते हैं कैसे ये क्लॉक आपको देखने को मिलती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की क्लॉक जो है आपको अपने फोन के अंदर देखने को मिलती है। ये एक तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगा, इसमें थोड़ी आपके फोन की बैटरी भी जो है कंज्यूम होगी, क्योंकि ये फीचर जो है थोड़ी सी बैटरी आपके फोन की कंज्यूम करेगा। जैसे आप डबल टैप करेंगे वापस आप लॉक स्क्रीन पाएंगे और फोन को अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड जो है एक नया फीचर है जो कि एज क्लॉक, कुछ आपको इस तरह की क्लॉक देखने को मिलती है। आप इसकी पोजिशन लेफ्ट या राइट जो भी करना चाहें कर सकते हैं, कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए, और लॉक स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके की आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ये क्लॉक देखने को मिलेगी, जिसमें आपको टाइम, डेट और आपकी बैटरी परसेंटेज और आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलता है। फिर से आप डबल क्लिक करेंगे वापस आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो काफी कूल सा फीचर है, आपने आप फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं कि देखो हमारे फोन के अंदर भी अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो काम करता है परफेक्टली। सिर्फ आपको ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पिक्चर क्लॉक का। इसके अंदर जो है आप इस एरिया के अंदर अपनी पिक्चर को भी सेटअप कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट पिक्चर कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, उसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन जो है टेक्स्ट एंड फॉन्ट का है, इसमें आप इसकी जो साइज वगैरह है, डेट टाइम वगैरह की, उनको यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद है उसको आप यहां पे सेटअप कर लीजिए। लास्ट ऑप्शन है कस्टमाइज का, जैसे कि आपको लिखते हैं शो नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर एप्स आपको चाहिए कि नहीं, आपको ब्राइटनेस लेवल जो है वो कैसे रखना है, ये देखिए ब्राइटनेस लेवल को आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, वो सारी चीजों को आप मॉडिफाई सिस्टम कर सकते हैं। बैटरी स्टेटस आपको चाहिए कि नहीं, वन सिंगल टिप से क्या होना चाहिए, ऑन डबल टैप से क्या होना चाहिए, वो सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। म्यूजिक कंट्रोल आपको चाहिए कि नहीं, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिस्प्ले एमोलेड स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपकी ये स्क्रीन जो है कब चाहिए, हमेशा चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्टिवेट चार्जिंग के टाइम चाहिए, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टॉप जो है अपने आप जो है इसको आप इनेबल कर देंगे, उसके बाद जो है जैसे आपके फोन की परसेंटेज जो 30 डिग्री से कम होती है आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है बंद हो जाएगी, ताकि आपकी जो फोन की बैटरी है वो ठीक तरीके से काम करे और आपको पूरी बैटरी बैकअप मिल सके। नहीं तो अगर 30% पे भी आप इसको यूज
करते रहेंगे तो आपकी बैटरी थोड़ी बहुत ये स्क्रीन कंज्यूम करती रहेगी। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, देखिए जो आपको अपने किसी भी फोन के अंदर नहीं मिलते हैं। मोस्टली Xiaomi जो यूजर्स हैं उनको मिड बजट फोन्स के अंदर ये ऑप्शन अभी तक देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से जो है आप जो है इस तरीके की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली जो क्लॉक्स हैं उसको आप अपने किसी भी फोन के अंदर यूज़ करते हैं और एक अलग सा लुक, एक काफ़ी इंप्रेसिव सा लुक अपने फ़ोन के ऊपर पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।